ऑन 6 जून 2019, जब न्यूज बॉय के सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर थे, नियॉन मैन हैड 500,000 सब्स। और अगर मैं आज लास्ट 30 डेज के स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ तो नियॉन मैन के 40,000 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, और उसी सेम टाइम फ्रेम में न्यूज बॉय हैज गॉट 45,000 सब्सक्राइबर्स। क्यों, क्या, कैसे? सो लेट्स लर्न बाय द यूट्यूबर नियॉन मैन एंड न्यूज बॉय। तो वैसे तो डिस्क्लेमर दे दिया है, बट स्टिल, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग, गलत टैग्स, नो कंटेंट, ये वीडियो इन सब के बारे में नहीं है। वो सब मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो अगर तुम्हारा माइंडसेट कुछ सीखने का है तो वॉच दिस वीडियो, वरना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो फर्स्ट मूवर कौन होता है? जो कोई काम सबसे पहले करे, ही इज द क्रिएटर ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट। अ फर्स्ट मूवर इज अ पर्सन हु गेट्स द आइडिया फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट्स इट। नियॉन मैन वॉज द फर्स्ट वन हु केम अप विद एन आइडिया ऑफ अ यूट्यूब न्यूज चैनल एंड एग्जीक्यूटेड इट टू सम स्केल। बट जब कोई काम तुम सबसे पहले करते हो, तुम्हें ये नहीं पता होता कि वो काम करेगा भी कि नहीं। देयर इज अ हाई चांस इफ यू ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू, यू विल फेल। बट इसके साथ एक बड़ा सा एडवांटेज भी है, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। अभी लेट्स टॉक अबाउट द फास्ट मूवर न्यूज बॉय। नियॉन मैन वॉज ऑल फाइन एंड रेगुलर अपडेट्स भी देता था, एंड ऐसा भी नहीं है कि न्यूज बॉय ने कोई अलग ही अपडेट्स दे दी हो। मतलब यूट्यूब एक ही है, क्रिएटर्स वही हैं, और किसी को एक न्यूज दो बार सुनने का कोई शौक नहीं है, और ना ही न्यूज बॉय ने कोई न्यूज बताने का नया अनोखा बेटर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। वही सेम सोर्सेस थे, सेम गेम प्ले के ऊपर स्क्रीनशॉट की हेल्प से ही गेव दी अपडेट्स, और तो और थंबनेल का स्टाइल भी लगभग सेम ही था। फिर न्यूज बॉय ने ऐसा क्या किया कि हिज ग्रोथ इज फास्टर देन नियॉन मैन एज ऑफ टुडे? इसके लिए लेट्स गो बैक इन 2019। 11 मार्च 2019 वाज व्हेन न्यूज बॉय अपलोडेड हिज फर्स्ट वीडियो। मे बी फर्स्ट ना हो, पर सिंस वो अकाउंट दो ही दिन पहले बना था, आई गेस एंड आई अज्यूम न्यूज बॉय की फर्स्ट वीडियो यही थी। रिगार्डलेस ऑफ ऑल दिस, हम हमारी कैलकुलेशंस 11 मार्च 2019 से ही करेंगे। बट इवन बिफोर आर कैलकुलेशंस, तुम्हें दो पॉइंट्स दिमाग में रखने जरूरी हैं। ए, जिस टाइम फ्रेम की बात मैं करूंगा, उस टाइम न्यूज बॉय ने चैनल बस शुरू ही किया था, एंड शुरू में आपको कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिलता है, सारा मोटिवेशन इंटरनल होता है। मतलब जैसे अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे तो आपके पास एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, बट अगर आपके सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, देन द मोटिवेशन इज इंटरनल ओनली। मतलब अगर ऑडियंस जीरो है तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? एंड बी, नियॉन मैन वॉज एन एस्टेब्लिश्ड चैनल एट द टाइम, तो ही हैड अ रीजन एंड ऑल्सो any and all of the resources required to make a video. वैसे इन points के बिना भी आगे आने वाले सभी points relevant होंगे, but still these will amplify the results as well as the conclusion. So news boy की पहली public video dates back to 11 March 2019. During the first month, Neon Man uploaded 15 videos, जबकि News Boy ने सिर्फ 14 videos डाली। In the second month, Neon Man 14 and News Boy 23. Third month and Neon Man 17 while News Boy 21. Fourth month, Neon Man 14, News Boy 16. And during the fifth month, Neon Man uploaded just 13 videos while News Boy uploaded a whopping 22 videos. The total comes out to be 73 versus 96. News Boy uploaded 31.5% more videos than Neon Man in his first 5 months. And the trend is true till date. मतलब for every 2 videos Neon Man uploaded, News Boy did 3. और यहाँ discussion सिर्फ quantitatively है, qualitative discussion आगे किसी video में होगा। So, news में एक सबसे important aspect है, fastest कौन है? And News Boy ने consistently लगभग हर update Neon Man से पहले दी। इससे हम क्या सीख सकते हैं? If you are not the first mover, become a fast mover. For example, Oyo का original idea Airbnb का था, but आज इंडिया में Oyo is the king, not Airbnb. Similarly, ये इतने सारे example हैं कि कैसे एक company was the first mover, idea उसका था, सबसे पहले execute उसने किया, market में भी पहले वही आई, but then एक और company आती है and it performs
performs better and it becomes the fast mover. And कई cases में first mover completely diminish भी हो जाता है. Another most relatable example we can have is in the smartphone industry. एक time पर smartphone meant Nokia. पहले से कई brands थे, Samsung, Micromax, Lava, Sony, Blueberry, Motorola and whatnot. And Nokia तो लगभग mobile के साथ synonymous बन गया था. अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो Nokia was the king in the Indian smartphone industry. But आज की डेट में टॉप 5 कंपनीज में कौन है? Xiaomi, Oppo, Vivo एंड Realme. इनका कंबाइंड मार्केट शेयर इन क्वार्टर 4 ऑफ 2019 वॉज 68%. ये सभी हैं फास्ट मूवर्स. नोकिया का तो इस लिस्ट में नाम तक नहीं है. माइक्रोमैक्स, लावा, सोनी, ब्लूबेरी, दे हैव ऑल डिमिनिश्ड इन अ सर्टेन वे. इस टेबल में एक और डिटेल नोटिस करो. डिस्पाइट ऑल दीज चेंजेस, सैमसंग स्टिल हैज अ 19% मार्केट शेयर. इस पॉइंट को याद रखना. सो डिस्पाइट की न्यूज बॉय सबसे पहले और सबसे रेगुलर न्यूज डालता था, नियॉन मैन की एक अलग ही डेडिकेटेड फॉलोइंग है. मतलब इवन दो वो न्यूज एक दिन लेट भी डाले, स्टिल लोग नियॉन मैन को देखते हैं. ही इज रेलेवेंट टिल डेट. होलिस्टिकली देखा जाए तो नियॉन मैन इज नंबर 1 इन द इंडियन यूट्यूब न्यूज जॉनरा. एंड ये बात उसकी ट्विटर और इंस्टाग्राम की फॉलोइंग से वेरीफाई होती है. एंड दिस इज वेयर वी कम बैक टू द एडवांटेजेस ऑफ अ फर्स्ट मूवर. दोनों के एग्जांपल देखो, सैमसंग एंड नियॉन मैन, दे वर द फर्स्ट मूवर्स. तो अब ये बेस्ट हो या ना, बट इनकी एक डेडिकेटेड फॉलोइंग बन चुकी है एंड इसलिए दे आर द किंग्स ऑफ देयर फील्ड्स. बट नॉट फॉर टू लॉन्ग अनलेस दे इवॉल्व. सो मैं एक लास्ट बार और क्लियर कर दूं, मैंने इस वीडियो में नियॉन मैन और न्यूज बॉय के कंटेंट की बात नहीं करी है. वो अच्छा है या बुरा ये तुम डिसाइड करो. आई विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट इन फ्यूचर वीडियोस, क्योंकि कंटेंट के बारे में एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो ही चाहिए. इस वीडियो का सोल एम था कि तुम क्या सीख सकते हो. सो लर्न व्हाट वॉज यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट वॉज नॉट. Now, if you want to skip, you can. But if you are interested in thought-provoking content, then click the video on the screen right now.